वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का और आज का नंबर है 240। ये संख्या संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों की है। 56 सीटों पर हुए हालिया चुनाव के बाद राज्यसभा का अंकगणित बदल गया है। बीते दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले बहुमत हासिल किया और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले 370 और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया। इस बीच कैसे राज्यसभा में भी सत्ताधारी गठबंधन एनडीए बहुमत के करीब पहुंच गया है और कैसे राज्यसभा चुनाव के बीच उत्तर भारत में कांग्रेस की इकलौती सरकार पर संकट आ गया है, आज ये सब आपको चुनाव स्पेशल शो में हम दिखाने वाले हैं। पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। उनको अंदर डाल के या डरा के, धमका के, आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र है? तो ये सब चीजें जो है ये एक सोची समझी राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देकर की है। कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। लोकसभा के चुनावी शोर में राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव में बड़ा खेल हो गया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में जीतना कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को था, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 7 पर जीत मिलनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी का 8वां उम्मीदवार भी जीत गया। राज्यसभा के चुनावी नतीजों से कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का अंक गणित बदल गया है आपको दिखाएंगे। अभी आप हिमाचल प्रदेश का सियासी नाटक भी देख लीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार अब संकट में है। बीजेपी का दावा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना त्याग पत्र सौंप देना चाहिए। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायक ही सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज नहीं है, बल्कि दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेहद नाराज हैं। आलम यह है कि विक्रमादित्य सिंह ने आज मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा तक सौंप दिया है। ऐसे में हिंदी हार्टलैंड और उत्तर भारत के इकलौते कांग्रेसी मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी कुर्सी कब तक बचा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो, और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया। अविश्वास की नहीं, मेजोरिटी विधायक अभी भी हमारे साथ ही है, लेकिन किसी कारणवश कोई मंत्री बनना चाहता था, कोई कुछ बनना चाहता था, इस कारणवश उन्होंने गुस्से में राज्यसभा के खिलाफ वोटिंग की। उसके बाद उनके किसी विधायकों के फोन भी आए कि राज्यसभा में व्हिप नहीं लगता, लेकिन सदन की कार्यवाही में तो लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक सोची समझी राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देकर की है। सीएम सुक्खू राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को बीजेपी की साजिश बताने के साथ साथ अपनी सरकार के बहुमत में होने के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बागी विधायकों की शिमला से पंचकुला की आवाजाही ने पार्टी आलाकमान की नींदे उड़ा दी हैं। इन विधायकों की बगावत ने कांग्रेस हाईकमान को बेचैन कर दिया है। राज्यसभा की सीट गई तो गई, कद्दावर नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हारे तो हारे, लेकिन कांग्रेस अब किसी सूरत में हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं गंवाना चाहती। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सरकार बचाने की जिम्मेदारी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंप दी गई है। मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ, इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी
सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द। हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने और बचाने की राजनीति के बीच विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, जब स्पीकर ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, एक बार नहीं अनेकों बार की, रिकॉर्ड देख लो आप, कि माननीय सदस्य जिन जिन के नाम जो है मैं ले चुका हूँ वो इस माननीय सदन की अगली कार्रवाई तक सस्पेंडेड है, इन्हें अगली जब तक सेशन चल रहा है तब तक सस्पेंडेड है, कृपया आप सदन से बाहर चले जाएं। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर मैंने ऑर्डर किया मार्शल को कि दे शुड बी फोर्सिबली रिमूव्ड, जो हमारे प्रोसीजर है, रूल्स हैं। और जब मार्शल ने काम करना शुरू किया तब भी वो नहीं गए, घंटा भर तो अंदर बैठे रहे। जबकि बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिना वजह उसके विधायकों को सस्पेंड कर दिया। हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हिमाचल के इतिहास में नहीं पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। विपक्ष के निलंबन और बागी विधायकों की गैर मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने बजट भी पारित करा लिया और फिर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। एक तरफ कांग्रेस बगावत करने वाले 6 विधायकों की विधानसभा सदस्यता खत्म करने और सरकार बचाने की कोशिश में, तो दूसरी तरफ बीजेपी सत्ताधारी दल के बागियों की विधायकी बचाने की शिद्दत में जुटी है। ऐसा है, उन्होंने जो नोटिस दिया है उसमें लिखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए। उन 6 की तरफ से हम लोग पेश हुए हैं और हमने कहा है कि हमको सिर्फ नोटिस मिला है, याचिका की कॉपी नहीं मिली है, याचिका की कॉपी हमको दी जाए और याचिका की कॉपी मिलने के बाद हम अपना जो भी पक्ष है वो रखेंगे और उसको सुनने के बाद निर्णय किया जाए। रूल 7 के अनुसार कम से कम 7 दिन का समय देना होता है, जो हमको समय नहीं दिया गया। कल पिटीशन फाइल हुई है और आज वो सुनवाई के लिए आई है, 7 दिन का समय हमने मांगा है। मुख्यमंत्री सुक्खू से नाराजगी का आलम ये है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट करने वाले कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी। इसी वजह से कांग्रेस के बागियों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के वो 6 बागी विधायक कौन है जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरने की मुहाने पर, फिर आपको इनकी वजह से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार का अंक गणित भी दिखाएंगे। सुधीर शर्मा मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे थे, चैतन्य शर्मा सरकार में अपने काम नहीं होने से नाराज थे, राजेंद्र राणा 3 बार के विधायक है, मंत्री नहीं बनाए जाने से ये भी नाराज थे। राणा ने ही 2017 में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को हराया था। देवेंद्र कुमार भुट्टो सरकार में काम नहीं होने से नाराज थे। इस लिस्ट में इंद्रदत्त लखनपाल का भी नाम है जो 4 बार के विधायक हैं, सरकार में काम नहीं होने से नाराज थे। जबकि रवि ठाकुर भी मुख्यमंत्री सुक्खू से नाखुश चल रहे थे। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को बराबर बराबर यानी 34-34 वोट मिले। ऐसे में फैसला लॉटरी के जरिए हुआ, जिसमें किस्मत ने हर्ष महाजन का साथ दिया और वो चुनाव जीत गए। कांग्रेस पार्टी यहाँ उनकी सरकार है और उनकी सरकार के बुरे हाल है, उनकी सरकार से उनके विधायक ही नाखुश हैं और उनकी कार्यशाली से ही जनता तंग है, तो ये तो होना ही था। तो विधायकों ने जो कांग्रेस के थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्हें ओपनली कहा था कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। बड़ी बात ये कि हर्ष महाजन पहले कांग्रेस में ही थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी थे। दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और बेटे विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने मंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यह मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं
जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह अपने पिता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के लिए जमीन नहीं मिलने से इतने दुखी हैं कि मंत्री पद से इस्तीफे के वक्त उनकी आंखों से आंसू तक छलक उठे। इसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए। कहा तो ये भी जा रहा है कि वीरभद्र सिंह के समर्थक कुछ और विधायक विक्रमादित्य के साथ जा सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि वीरभद्र सिंह ने धमकी दी है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो वो सरकार गिरा देंगे। साथ ही क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने भी संदेश पहुंचाया है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं बल्कि सीएम के खिलाफ क्रोध वोटिंग की है। विधायकों की नाराजगी के बीच खबर ये भी आई है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने खुद ही कैमरे के सामने इससे साफ इनकार किया है कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सुक्खू चाहे लाख दावे करें, सच ये है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। अब सवाल ये भी कि क्या हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में जो हुआ वो कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी का नतीजा है या फिर इसके पीछे बीजेपी है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में जो कहा उसे सुनना बहुत जरूरी है। नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है, वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कालीगरी है। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं है। जबकि TV9 भारतवर्ष के ही मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बनी हुई सरकार को तोड़ती है तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, हर जगह। अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी न किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के धमका के आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र है? हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की इकलौती राज्यसभा सीट पर भी बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया, इसका नतीजा ही उसे भुगतना पड़ा। जितना मर्जी अन्याय करेंगे इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है। हिमाचल प्रदेश में तो राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में इससे 10 गुनी ज्यादा सीट के लिए मतदान हुआ, जहां बीजेपी के पास 7 उम्मीदवारों को ही जिताने का अंक गणित था, लेकिन पार्टी ने इससे भी एक ज्यादा सीट जीत ली। उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा के चुनाव में बड़ा खेल हो गया। अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में शामिल मनोज पांडे समेत पार्टी के 6 विधायकों ने पाला बदल लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को तीसरी सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा और बीजेपी ने 8वीं सीट भी जीत ली। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने अखिलेश यादव से बगावत कर दी और बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार यानी आलोक रंजन हार गए और बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ जीत गए। समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा लाल और आशुतोष मौर्य अपने नेता अखिलेश यादव को गच्चा देकर बीजेपी के पाले में चले गए। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक महारानी प्रजापति मतदान से गैर हाजिर रही। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुई वोटिंग का अंक गणित देखिए, फिर आपको इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है, अभी 4 सीट खाली हैं, 3 विधायक जेल में हैं, 1 विधायक ने वोट नहीं डाला, कुल वोट पड़े 395, 1 मत अवैध पाया गया, यानी 394 वोट वैध पाए गए। बीजेपी के संजय सेठ को 43, अमरपाल मौर्य को 38, तेजवीर सिंह को 38, नवीन जैन को 38, साधना सिंह को 38, सुधांशु त्रिवेदी को 38, संगीता बलवंत को 38, आरपीएन सिंह को 37, तो समाजवादी पार्टी के जया बच्चन को 41, रामजीलाल सुमन को 40 और आलोक रंजन को 19 वोट मिले। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 वोट की जरूरत थी। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 288 है। बीजेपी को 8वें उम्मीदवार की जीत के लिए 8 वोट की जरूरत थी। उसे राजा भैया की पार्टी जन सत्ता दल के दोनों विधायकों और बीएसपी के इकलौते विधायक के भी वोट मिले। रही सही कसर समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने वोट देकर पूरी कर दी। एसबीएसपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन नतीजों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो क्या पैकेज, जैसा दाना वैसा गाना, क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे कोई कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी, तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। उत्तर भारत में क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को राज्यसभा की 2 सीटों का फायदा हुआ, तो दक्षिण भारत के कर्नाटक में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद उसकी सहयोगी जेडीएस को भी थी, लेकिन वहां कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पुख्ता मैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस के अजय माकन ने 47 और सैयद नासिर हुसैन ने 47 वोट हासिल करके जीत दर्ज की, तो जीसी चंद्रशेखर को 45 वोट के साथ जीत मिली, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार नारायण कृष्ण साहब भांडगे ने 47 वोटों के साथ जीत दर्ज की। वहीं जेडीएस उम्मीदवार उपेंद्र रेड्डी को 36 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में राज्यसभा की एक सीट के लिए 45 वोट की जरूरत थी। कर्नाटक में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से उल्टा हो गया। वहां बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार को वोट दे दिया तो दूसरे ने मतदान ही नहीं किया। इससे बीजेपी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अनुशासन की बात करने वाली पार्टी को 2 विधायकों के बगावत से झटका जरूर लगा है। हिंदू विरोधी कांग्रेस के, भारत विरोधी कांग्रेस के। इन सब के बीच कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नया विवाद पैदा हो गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नासिर हुसैन की जीत के बाद उनके समर्थकों ने विधानसभा के अंदर देश विरोधी नारेबाजी की। पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स हैव बीन रेज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी वर्कर्स। इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग दिस, मिस्टर नासिर हुसैन इज ट्राइंग टू मिसलीड एंड सेइंग दैट समबडी इज स्प्रेडिंग ए फॉल्स न्यूज व्हिच इज मोर डेंजरस। जबकि कांग्रेस ने इस आरोप को बेबुनियाद और बीजेपी की साजिश करार दिया। इट्स वेरी क्लियर इन द ऑडियो दैट दे से नासिर हुसैन जिंदाबाद, सैयद साहब जिंदाबाद। बीजेपी इज डेस्परेट आफ्टर देयर लॉस। This is nothing but a desperate measure for the BJP to get back.